सुनील कपूर एक यूट्यूबर है जिसका कई कई बार केस हुआ है पत्रकारों पुलिस वालों के साथ। वो अपने आप को एक पत्रकार यूट्यूबर कहता है। क्या महिलाएं जब तक हम सुमित कुमार को अभी कुछ नहीं कहेंगे उनके लिए, जब तक हम सुनील कपूर को भी पकड़ के उसके बयान ना लें। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के प्रमोटिंग आईपीएस पुलिस अधिकारी जिन पर एक वायरल सोशल मीडिया लेटर से यानी कि जो अनुरोध पत्र कहा गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारी महोदय महिला पुलिस कर्मचारियों पर गलत नजर रखते हैं। आपको ध्यान होगा हमने कई वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं जिसके अंदर की महिला कर्मचारियों की तरफ से वो चिट्ठी झूठी है या सच्ची है, वो वायरल करने वाली कोई महिला कर्मचारी है या कोई षड्यंत्र है। हम पहले से इस बात को कहते रहे हैं कि अगर वो षड्यंत्र है तो फिर षड्यंत्रकारी सामने आना चाहिए और उस पर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये खाकी से जुड़ा हुआ मामला है। और अगर कहीं दोषी पुलिस अधिकारी हैं और उनके साथ की जो SHO DSP पर आरोप लगे कहीं वो दोषी हैं तो फिर उन पर भी सख्त एक्शन हो। लेकिन इस मामले में रोज नया लोचा आता है दोस्तों। इस मामले के अंदर अगर कहें तो नित नई बात सामने आती है। आज फरीदाबाद के अंदर हरियाणा महिला आयोग की जो अध्यक्षा है रेणु भाटिया, उनके समक्ष 6 महिला पुलिसकर्मी और वो SHO और DSP पेश हुई, महिला SHO और महिला DSP, सभी के बयान दर्ज हुए। ये जो महिला पुलिसकर्मी बुलाई गई, महिला पुलिसकर्मी वो हैं कि जिन 8 महिला पुलिसकर्मी बताई गई हैं जिनकी ACR रिपोर्ट को लेकर के कुछ बात थी, यानी कि उनकी ACR रिपोर्ट खराब हुई होगी या जो भी चला होगा डिपार्टमेंटल बात चली होंगी उसमें कुछ, और उन महिला पुलिसकर्मियों को बुलाया गया था जिनमें से 6 आज मौजूद पहुंची। उनके बयान दर्ज हुए और उनके बयान दर्ज करने के बाद में मैं आपको बताता चलूं कि इनमें 2 महिला पुलिसकर्मी वो भी थी जिनका पहले सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल भी हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस अधीक्षक साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। चिट्ठी में जिन महिला पुलिसकर्मियों के नाम थे ये महिला पुलिसकर्मी वो थी या नहीं थी इसकी जानकारी हमारे पास भी अधिकृत नहीं है क्योंकि महिला आयोग की तरफ से जो बताया गया उसमें यह बताया गया कि ये वो महिला पुलिसकर्मी थी जिनकी ACR खराब थी और शक की बात पर इनको बुलाया गया। SHO DSP भी आई थी, मैंने आपको पहले ही बताया। और उनके बयान के बाद में जब महिला आयोग की चेयरपर्सन सामने आई तो उन्होंने कहा कि सारे मामले के पीछे अगर उनकी बात को माने तो षड्यंत्र की वो आती है और षड्यंत्र की बात आई सुमित कपूर नाम के व्यक्ति पर जो यूट्यूबर हैं। आपको यहां यह बताना बहुत जरूरी है कि इससे पहले एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 3-4 जगह सुमित कपूर का भी वीडियो वायरल हो चुका है जिसके अंदर उसने पुलिस पर कई प्रकार के और भी आरोप लगाए हैं और अब उन्हीं सुमित कपूर पर यूट्यूबर पर आरोप लगाते हुए और उन्हीं आरोपों की उसे हम पुष्टि कहें या उन आरोपों को आगे बढ़ाते हुए आज महिला आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती रेणु भाटिया ने कहा कि अब उस यूट्यूबर को ढूंढा जाएगा, उसके बयान दर्ज होंगे। दोस्तों इसके अंदर सबसे प्रमुख बात एक और थी, महिला आयोग की अध्यक्षा ने जो कहा वो बात हास्यास्पद पे आती है सामने से और उसमें एक बात और भी आती है कि क्या महिला आयोग के पास अपनी भी कोई टीम होती है कि उनके पास कोई पुलिस बल होता हो जिससे कि वो किसी पर एक्शन ले सकें। महिला आयोग की चेयरपर्सन ने बताया कि उनको DSP और SHO जो महिला SHO और महिला DSP हैं जिन पर आरोप लगे थे उन्होंने कहा कि आरोपी जो है कपूर उसको पकड़ने में हम अक्षम हैं, हम कामयाब नहीं हो पा रहे, इसके अंदर महिला आयोग ही उसको पकड़े। इसलिए मैंने कहा कि ये बात थोड़ी सी आसान पर पहले इस बात को सुने आप जो रेणु भाटिया जी बता रही थी उनको महिला SHO और महिला DSP ने जो कहा। अभी भी महिला आयोग के दरवाजे आप सबके लिए अभी भी खुले हैं। इसका नाम अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या सिर्फ यही जो 8 महिलाएं थी इन्हीं के पूरे जिले में सिर्फ इन्हीं के नाम उनसे मिलते हैं जिनके नाम जिक्र चिट्ठी में 19 महिलाओं के नाम मिलते हैं, परंतु इस
कनेक्शन में कि इनकी ACRs खराब हुई थी, तो कहीं ये वही ACRs वाली खराब वाली महिलाएं तो नहीं है? उसी नाम वाली महिलाएं, हाँ जी। और हमने 19 ऐसी और महिलाएं टोटल साबित हुई थी उस नाम की। बाकियों की हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं, क्योंकि ये केस अब IG ममता खरब को ट्रांसफर हुआ है और कमेटी बनाई गई है, तो हम उनसे बाकी जानकारी और केस मांगेंगे और फिर उसको कनेक्ट करेंगे। आज तब तक हम सुनील कपूर जो लापता है 9 दिनों से, सुनील कपूर एक यूट्यूबर है जिसका कई कई बार केस हुआ है पत्रकारों पुलिस वालों के साथ, वो अपने आप को एक पत्रकार यूट्यूबर कहता है, और उसने 2 मिनट के 1.5 मिनट के अंतराल में एक ID बनाई और ऐसे लेटर्स जारी किए, फिर दोबारा जय माता दी करके ID बना के जारी किए, पहले रानी रानी करके जारी किया। तो यूट्यूबर को पकड़ के लाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए DSP मैडम ने और SHO मैडम दोनों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस का उसको अरेस्ट करना नहीं, आप हमारा सहयोग करें। हमने उनसे लिखित में ले लिया है कि आप महिला आयोग से मदद मांग रहे हैं। आप बहुत चौंकाने वाली बात कर रहे हैं कि आरोपी यूट्यूबर जो है जिसने वीडियो वायरल की है, ये लेटर जो वायरल किया, उसको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, पुलिस महिला आयोग से मदद मांग रही है। पुलिस अधिकारियों ने स्वयं एक्सेप्ट किया है मेरे सामने कि ये उनका फेलियर है, और मैं आपके माध्यम से DGP शत्रुजीत कपूर जी को कहूंगी कि इस व्यक्ति को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि ये महिलाओं के ऊपर तो एक दोष लगा ही है, पुलिस के ऊपर सबसे बड़ा दोष है। कल को हम जब कंप्लेन देंगे किसी के खिलाफ, उसको कैसे पुलिस पकड़ेगी अगर अपने खिलाफ किए हुए के आरोप को पुलिस नहीं ढूंढ। आज की डेट में केस का स्टेटस क्या है, क्या आरोपी सुमित कुमार निर्दोष है, क्या महिलाएं? जब तक हम सुमित कुमार को अभी कुछ नहीं कहेंगे उनके लिए, जब तक हम सुनील कपूर को भी पकड़ के उसके बयान ना ले। क्या इस मामले में अभी तक की आपकी इंक्वायरी में जो महिलाएं हैं पीड़ित हैं, जिनकी शिकायत वायरल होने की बात हो रही थी, वो सामने आई? जिनकी शिकायत में नाम था और जो ACR खराब वाली महिलाएं थे, हमने सबसे पहले उनको बात करने की सोची, क्योंकि अक्सर ACR या हेरासमेंट एट वर्क प्लेस में आपकी प्रमोशन और डिमोशन के मामले आते हैं, तो हमने उनको पहले तलब किया। बाकियों की रिपोर्ट हम ममता खरब से मांगेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे सुनील कपूर से जानकारी लेने के बाद। सवाल फिर वही है, क्या अभी तक इस मामले में पीड़िता सामने आई है, क्या पीड़िता तक पुलिस इन महिलाओं से बात करने में ये पीड़िता नहीं साबित हो रही, ये पीड़िता नहीं लग रही, परंतु हम तब तक तह तक जाएंगे जब तक हम एक्चुअल महिला तक ना। जींद में 150 महिला पुलिस कर्मी हैं, क्या उन सबके बयान दर्ज हो गए, जो है जैसा आपने कहा भी था कि हम सबसे पूछताछ करेंगे? 140 महिलाएं पुलिस की तैनात हैं जींद में, उन सबसे SP फतेहाबाद आस्था मोदी ने बयान लिए हैं, और कुछ लोग अनसेटिस्फाइड थे जो हमने भी पुलिस से पूछा और आस्था से भी पूछा था कि अगर आपको किसी का प्रेशर है या आपको लगता है तो हम बड़ी कमेटी गठित करें। और मैं धन्यवाद करती हूँ शत्रुजीत कपूर जी का, मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आयोग के निवेदन पर भी SP को बदला और इन दोनों ऑफिसर्स को बदला और साथ में बड़ी कमेटी गठित करके इंक्वायरी को आगे बढ़ाया। जिन पुलिसकर्मियों से आपने बयान दर्ज किया, वो आपने पूछताछ की, आपने कमेटी ने पूछताछ की, उससे कुछ निकल के आया क्या, सुमित कुमार के ऊपर कोई आरोप कुछ लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, या उनको क्लीन चिट दी जा रही है? ये सभी लोग, अभी क्लीन चिट की मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन ये सभी लोग का फोकस सुनील कपूर पर है। गीतिका जाखड़ और सुमित के केस से क्या लेना है? जो उस लेटर में आरोप है उसमें यही है कि SHO मुकेश कुमारी और गीतिका जाखड़ के कहने पर हमें वहां भेजा जाता था, इसलिए ये कनेक्शन। तो फिलहाल का स्टेटस ये कि पीड़िता सामने नहीं है, दूसरी बात अभी तक किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाई है पुलिस, महिला आयोग की मदद मांग रही है पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए, और हैंड्स अप करके पूरी तरह पुलिस खाली हाथ फिलहाल यही है। जो वीडियोस वायरल हुई है, आपने जो बात करी है पुलिसकर्मियों से, क्या बता रही हैं कि वीडियो उसमें? वो केवल यही कह रही हैं कि सुमित कुमार एक अच्छा
पुलिस अधिकारी है, हमारे को उससे कोई नाराजगी नहीं है वो नहीं, लेकिन उन वीडियोस को देखने के बाद ऐसे लगा था हमें कि प्रेशर में है और हमने उस उन्हीं महिलाओं को आज बुलाया। अगर सुनवाई कब होगी? जिन को भी आपने बुलाया? नहीं, आज पहले बुलाया था। तो क्या बातचीत में कुछ निकल गया सामने? एसपी जेल ने ही जब ये बातें हमें बताई थी उसी में हमने ये कनेक्शन निकाला कि जो ये एसीआर खराब वाली महिलाएं इनमें से कोई प्रताड़ित। अगली सुनवाई कब होगी? अगली सुनवाई की हम जल्द डेट देंगे जब डीजी शत्रुजीत कपूर हमें सुनील कुमार पकड़ कर लेंगे। जो शख्स आपसे आज मिले हैं विपिन ने गीतिका जाखड़ पे जो आरोप लगाए वो यही कि उनकी पुत्रवधू जो एक सर्टन स्टेज के बाद संजय नाम के एक व्यक्ति के साथ रैकेट में फंस गई थी उसको गीतिका जाखड़ ने बचाया था। उसकी रिपोर्ट गीतिका जाखड़ ने दर्ज नहीं की थी और कुछ रीडर का नाम भी, सुखविंदर रीडर का नाम भी आया था सपोर्ट करने में, लेकिन बाद में आईजी विर्क ने और उनसे कोई दूसरे अधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज की। आपने बताया कि कुछ जो वीडियो जो वायरल हुई है बाद में जो महिलाओं के बाद महिलाओं की वो गीते जाकर ये महिलाओं ने हमें आज जी जी चलो सर में कोई बात सर कोई जांच होगी उनको लेकर उनकी जांच क्लियर है। केवल अब हम उसकी वेट करेंगे जब सुनील कपूर तो आपने सुना है ना हास्यास्पद बात कि आखिर तमाम पुलिस का अमला। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि उस यूट्यूबर पर जो कपूर नाम का यूट्यूबर है उसके खिलाफ जो एफआईआर है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन हिसार में भी हो रही है, हिसार पुलिस भी कर रही है। मामला सारा जींद का है और हिसार पुलिस उसमें अलग से जांच कर रही है। हालांकि जो सोशल मीडिया पर पत्र वायरल था उसको लेकर के अभी किसी प्रकार की कोई एफआईआर नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। केवल सोशल मीडिया पर चला वो शिकायती पत्र है जो मुख्यमंत्री के नाम लिखा गया था, जिस पर संज्ञान लेकर के डीजीपी साहब भी और एडीजीपी साहब भी, आईजी साहब भी और मुख्यमंत्री जी भी और महिला आयोग सभी ने एक्शन लिया। और ये बहुत हमने इसका कई अप्रिशिएट किया, हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है और इसके सुखद संकेत हैं कि सक्षम अधिकारी से इसकी जांच कराई जा रही है। एडीजीपी ममता सिंह उसके अंदर अब एसआईटी की अध्यक्षा है, वो जांच कर रही हैं। कल वो जींद गई हुई थी, आज इसके अंदर जो महिला आयोग की अध्यक्षा ने जो मैंने आपको बताया उनके जो बयान दर्ज हुए और उसके बाद महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती रेणु भाटिया जी ने जो बताया कि इसके अंदर कपूर नाम का जो व्यक्ति है वो दोषी है। आप पूरी बात सुनिए रेणु भाटिया जी ने क्या कहा। सुनील कपूर जो लापता है 9 दिनों से, सुनील कपूर एक यूट्यूबर है जिसका कई कई बार केस हुआ है पत्रकारों पुलिस वालों के साथ। वो अपने आप को एक पत्रकार यूट्यूबर कहता है और उसने 2 मिनट के 1.5 मिनट के अंतरकाल में एक आईडी बनाई और ऐसे लेटर्स जारी किए, फिर दोबारा जय माता दी करके आईडी बना के जारी किए, पहले रानी रानी करके जारी किया। तो यूट्यूबर को पकड़ के लाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए डीएसपी मैडम ने और एसएचओ मैडम दोनों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस का उसको अरेस्ट करना नहीं, आप हमारा सहयोग करें। हमने उनसे लिखित में ले लिया है कि आप महिला आयोग से मदद मांग रहे हैं। बहुत चौंकाने वाली बात कर रही हैं कि आरोपी यूट्यूबर जो है जिसने वीडियो वायरल किए, ये लेटर जो वायरल किया, उसको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, पुलिस महिला आयोग से मदद मांग रही है। पुलिस अधिकारियों ने स्वयं एक्सेप्ट किया है मेरे सामने कि ये उनका फेलियर है और मैं आपके माध्यम से डीजीपी शत्रुजीत कपूर जी को कहूंगी कि इस व्यक्ति को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि ये महिलाओं के ऊपर तो एक दोष लगा ही है, पुलिस के ऊपर सबसे बड़ा दोष है। कल को हम जब कंप्लेन देंगे किसी के खिलाफ उसको कैसे पुलिस पकड़ेगी अगर अपने खिलाफ किए हुए के आरोप को पुलिस नहीं ढूंढ। आज की डेट में केस का स्टेटस क्या है? क्या आरोपी सुमित कुमार निर्दोष है? क्या महिलाएं जब तक हम सुमित कुमार को अभी कुछ नहीं कहेंगे उनके लिए, जब तक हम सुनील कपूर को भी पकड़ के उसके बयान ना ले। तो आपने सुना इसके अंदर रेणु भाटिया कह रही हैं कि जब तक वो यूट्यूबर भी सामने नहीं आता तब तक इसकी पूरी पड़ताल और जांच पूरी नहीं हो सकती। और अभी उस आरोपी कह दें या
जिस पर आरोप लग रहा है यूट्यूबर पर कि उन्होंने दो अलग अलग मेल बनाई और उनसे वो शिकायती पत्र वायरल किया, उसको पुलिस पकड़ने के प्रयास में है। डीजीपी साहब से भी गुजारिश की गई है कि उसको पकड़ने में महिला आयोग की मदद करें और ताकि उसको पकड़ने के बाद में उसके भी बयान दर्ज हों और सारी बात सामने आए। वैसे हम आपको क्या लगता है दोस्तों, इस सारे घटनाक्रम के पीछे आखिर क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है कि क्या खाकी को बदनाम करने की साजिश है, और यह आपको क्या लगता है कि इसके अंदर कहीं किसी को बचाने छुपाने और ढकने का प्रयास भी होगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।